हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाफ हाफ दिल मूविंग स्टेज जो मूविंग स्टेज आप देखे हुए होगा, हाफ हाफ दिल का रहता है, आधा दिल एक साइड आधा दिल एक साइड जो रहता है वो कैसे तैयार किया जाता है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, पाइप जो है आपको पौन इंची का जो पाइप आता है पाँच पाँच किलो वाला, उसमें 12 फीट का 4 पीस और 11 फीट का 4 पीस आपको काट लेना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पाइप काटा जा रहा है, तो 12 फीट का 4 को काटना है और 11 फीट का 4 को काटना है, ठीक है। इसका जो लंबाई चौड़ाई रहता है 10 इंची चौड़ा रहता है और 6 इंची इसका जो मोटा रहता है, 10 इंची चौड़ा और 6 इंची मोटा। इसका टोटल साइज रहता है 8x8 यानी कि 8 फीट लंबा, और इसका बीच का जो जगह रहता है चौड़ाई जो मान जिसको मान के चलिए वो भी 8 ही फीट रहता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई इसका जो भी रहेगा 8x8 रहेगा। तो वीडियो को समझना है अगर और काम को समझना है इस तरह का अगर बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे क्या किया गया। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि पाइप कट रहा है, देख रहे हैं लास्ट पाइप है, लास्ट पाइप कट गया है, इसमें 12 फीट का 4 गो और 11 फीट का 4 गो आपको लेना है। देख लीजिए कट गया पाइप, इसको इसको मोड़ा कैसे जाता है, कोई मशीन से नहीं मोड़ा जाता है। मैं भी इस चीज़ में आपको दिखा दे रहा हूँ कि कोई मशीन नहीं है, इसको हाथ से ही मोड़ा जाएगा इस पाइप को। देख लीजिए मोड़ने का तरीका, देख लीजिए कैसे मोड़ा जा रहा है, देख रहे हैं ना, इसी तरह से ही मोड़ा जा रहा है। आप जैसे दिल बनाइए, सी बनाइए या हाफ डी बनाइए या गेट जो भी गेट बनाइए डिजाइनिंग गेट, सबको इसी तरह से मोड़ा जाता है। अगर आपको बनवाना है तो मैं स्क्रीन पे इसका नंबर मैं डाल दूंगा, आप वहां से उसे कॉन्टेक्ट करके आप बनवा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कोई वीडियो डाला था जिसमें स्क्रीन पर नंबर दिया गया था, जिसका जो बनाते हैं उसका नाम है सुजीत कुमार, उससे नंबर आप उस स्क्रीन पर जो नंबर रहेगा उससे आप कॉन्टेक्ट करके उससे बात करके उससे आप बनवा सकते हैं। आप कैसे क्या बनाएगा, कैसे केजी बनाएगा, वो आप वही आपको बता देगा। ये दुकान है, इसका जो दुकान है ये दुकान दरभंगा रेलवे स्टेशन चर्च के पास है, दरभंगा रेलवे स्टेशन चर्च के पास बिहार, ये दरभंगा बिहार का वीडियो है, देख लीजिए इसी तरह से ये इसको मोड़ा जाता है। कुछ भी बनेगा, चाहे आप दिल बनाइए या हाफ डी बनाइए या सी बनाइए, उसको इसी तरह से मोड़ा जाता है। देख लीजिए कैसे मोड़ा जा रहा है, देख रहे हैं ना, इसी तरह से हथौड़ी से मार करके मोड़ा जाता है। इसके कोई मशीन नहीं है इनके पास, बस इनके पास हाथ का कला है, जो पैप इतना हथौड़ा से मारने के बाद भी पैप पचकता नहीं है और फटता उड़ता नहीं है। 5 KB का पैप है, 5 किलो का पैप आता है, 1.25 इसका लंबाई होता है 20 फीट। देख लीजिए मोड़ने के बाद इसको फिर सिंगल हाथ से धीरे धीरे इसको शेप में लाया जाता है, जो हाफ दिल बनेगा, हाफ हाफ दिल जो मूविंग स्टेज आता है वही बन रहा है। देख लीजिए तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देख लीजिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा कि इसी तरह का वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल मैं आप सामान कैसे बनाया जाए, कैसे बनता है, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए ये देख रहे ना, ये मोड़ करके तैयार हो चुका है सिंगल एक्ट हुई है। देख लीजिए अब ये दूसरा मोड़ा जा रहा है, पहला तो मुड़ गया था, अब दूसरा मोड़ा जा रहा है, देख रहे ना, सेम टू सब को इसी तरह से मोड़ा जाता है। इसमें किसी तरह का कोई मशीन तशीन नहीं है कि मशीन में घुसाइए पैप मुड़ जाएगा, बाहर वाला सिस्टम ऐसा नहीं है ये, इसको हाथ से ही हथौड़ा मार करके मोड़ा जाता है। देख रहे ना लोहा का गोलंबर जो रखा हुआ है उसी पर रख करके हथौड़ा से मार करके इसमें मोड़ा जा रहा है। देख लीजिए अगर आपको बनवाना है तो स्क्रीन पे मैं इसका नंबर डाल दूंगा, आप स्क्रीन पर से उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप उनसे बनवा सकते हैं। देख लीजिए अब ये जो बीच में जो जोड़ा जाएगा इसके लिए पाइप काटा जा रहा है, देख रहे ना, इसी तरह से पाइप काट करके इसको बीच में जोड़ा जाएगा। मैं अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसको जोड़ा जाएगा। अगर आपको कहीं से बनवाना है तो अभी वीडियो को यूट्यूब पर से डाउनलोड करके आप उसको दिखा सकते हैं, अगर उससे बन सकता है तो बनवा सकते हैं, नहीं तो आपको इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे बनवा लीजिए। दरभंगा बिहार आपको आना है। देख लीजिए इसी तरह से आपको बेल्डिंग लगाना मारना, देख रहे हैं ना, लेकिन दोनों मोड़ने के बाद दोनों मोड़ा गया है, इसको हाफ दिल कहते हैं, इसको मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद इसको बीच बीच में जो है देख रहे ना, बीच बीच में इसको बेल्डिंग मारा जा रहा है। देख लीजिए इसमें 6 गो लगेगा, जो बीच बीच आप जो रॉड देख रहे हैं इसमें रॉड 6 गो लगेगा। तो वीडियो को आप लोग देखते हैं लास्ट तक, अगर वीडियो को समझना है और काम को समझना है और आप बनाना चाहते हैं कि इस तरह का बन जाए, आप काफ़ी दूर हैं, अगर दरभंगा नहीं आ सकते, दरभंगा से आप ज़्यादा दूर हैं
तो आप इस तरह का वीडियो अगर आप किसी बेल्डिंग वाले को दिखा सकते हैं तो अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर उनसे संभव है तो, क्योंकि हमारे हिसाब से इसको संभव नहीं है कि इसको बनाने के लिए बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ेगा। इस तरह का अगर हथौड़ा से मारिएगा तो पैप टेढ़ा हो जाता है, पैप आपका थौवा हो जाएगा। टेढ़ा तो करना ही है इसको, लेकिन थौवा हो जाएगा, देख लीजिए। लेकिन ये जो बनाते हैं एक जरा सा भी पैप का कुछ नहीं होता है। अब उसे भी देख ही रहे हैं आप, हथौड़ा मारने के बाद भी इस तरह से इसको कुछ नहीं हुआ है। सेम वैसा ही है जैसे सलग पैप रहता है 20 फीट का, वैसा ही है। एक बार मैं आपको और बता दूँ कि इस पैप का 1.25 इंची में पैप है, इसका लंबाई 20 फीट आता है, आप 5 किलो इसका वजन है, 5 किलो के वजन में बनता है। तो अगर आप बनवाइएगा तो 5 किलो वजन के पैप में बनाएगा तो थोड़ा हौला बनेगा, इससे भारी ले जाएगा 6 किलो 7 किलो वाला तो भारी बन जाएगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना, देख लीजिए ये पहला पैप लगा हुआ है, दूसरा पैप लगा हुआ है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, देख लेना एक ठू में 6 को पैप लग रहा है। ये एक साइड का बन गया है, इसके ऊपर का बनेगा, इसी तरह से आपको बनवाना है। अगर बनवाना चाहते हैं तो, अगर इन्हीं से बनवाना चाहते हैं तो इसका नंबर है स्क्रीन पे, इसके नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इनसे बनवा सकते हैं, देख लीजिए। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर एक पैप को इसी तरह से मोड़ा जाता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप जो भी कुछ बनवाइए हर एक पैप को इसी ढंग से मोड़ा जाएगा। चाहे आप सी बनाइए या डी बनाइए, या 8x8 का राउंड का गेट आता है सो बनाइए, या मंदिर डिजाइन जो मॉडल जो गेट आता है सो बनाइए, कमल का फूल बनाइए, गेट सब वो सब इसी तरह से मोड़ा जाएगा। देख लीजिए सबको मोड़ने के बाद इसको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे ताकि आप समझ पाए कि कैसे क्या किया, क्योंकि ये फुल्ली वीडियो है, पूरा A to Z, कहीं से भी कोई तरह नहीं, पूरा A to Z का वीडियो है ये। फ्रेंड, ये दो पार्ट में वीडियो बना हुआ है, अगर सिंगल पार्ट में हम बनाते हैं तो थोड़ा टाइम खींच लेता, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बना दिया है, Part 1 और Part 2। तो दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए, देख लीजिए। तो आप दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा समझने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या किया गया। देख लेना कैसे मोड़ा जा रहा है, हथौड़ा से मार करके देख लीजिए, इसी तरह से मोड़ करके इसको रखा जाएगा साइड में, उसके बाद एक ही बार में उसको बेल्डिंग करके जोड़ा जाएगा ताकि जल्दी काम खिंचा जाए। देख लीजिए किस हिसाब से इसको मोड़ते हैं, हथौड़ा मार करके। सबसे बड़ी बात है कि जिसको गोल राउंड जो आप लोहा देख रहे हैं गोल राउंड वाला, उसी लोहा पर मोड़ा जाता है, किसी तरह का कोई मशीन उसी इनके पास नहीं है, जो मशीन में घुसा है और इसको मोड़ दिए, इस तरह का कोई बात नहीं है, इसको हाथ से ही मोड़ा जाता है, हाथ से ही मोड़ते हैं ये। चाहे जिस तरह का भी आप डिजाइन में बनवा लीजिए वो हाथ से ही मोड़ेंगे, देख लीजिए। अब इसको कैसे शेप में लाना है मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए। अब पहला जो देख रहे हैं ना, पहला में देख लीजिए, इस तरह से मिलवा लिए, पहला तो आपको उसी तरह से बनवाए हैं। अब इसको दूसरा पार्ट जो इसको ऊपर से चढ़ेगा कि हाफ दिल जो बनेगा, तो दो गो पैप नीचे और दो गो पैप ऊपर लगेगा, जैसे नीचे में आप देख रहे हैं कि बना हुआ है उसी हिसाब से बनेगा, उसके ऊपर से इसको लगाया जाएगा। आप कैसे लगता है तो वीडियो कैसे लगता है इस बात को आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि तो कैसे क्या किया गया। देख लीजिए बार बार इसको अपना हाथ से मोड़ मोड़ करके इसको सीधा किया जा रहा है, देख लेना इसको नाप करके, देख लीजिए इस तरह से नापना है, इसी तरह से नाप करके इसको पूरा ठीक किया जाएगा। देख रहे हैं जहाँ पर देख रहे हैं कि हल्का फल्का मोड़ना है तो वहाँ सिंगल हाथ अपने हाथ से पकड़ के सिंगल हाथ से इसको मोड़ा जा रहा है, सिंगल हाथ से इसको मोड़ा जाता है। और जब उसको पूरा करना है तो आप डबल हाथ का यूज कीजिए, अभी इसको एक रंग से किया जा रहा है उसके हिसाब से मोड़ा जा रहा है, देख लीजिए सिंगल हाथ से उसको मोड़ करके इसको बैठाया जा रहा है, देख। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि लगन फिर से शुरू होने वाला है, तो मैं डेकोरेशन का वीडियो भी आप डालना शुरू करूँगा पूरा फुल डिटेल के साथ, ताकि आपको किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो डेकोरेशन करने में, खास करके वो लोग जो नए नए हैं इस लाइन में, फ्लावर लाइन में जो नए नए
खोले हैं या नया नया खोलना चाहते हैं उसके लिए भी देख लीजिए, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो हेल्पफुल ही रहता है, आपको हेल्प ही होगा, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए मुड़ते मुड़ते इसको शेप में ले आए हैं, हल्का सा बचा हुआ है, देख लीजिए, बस थोड़ा सा और हथौड़ा मारना है इसको, एक रंग कर देगा, देख रहे ना आ गया शेप में, हल्का सा और बचा हुआ है थोड़ा सा, देख लीजिए एक मारेंगे इसको फिर एक रंग से हो जाएंगे, इसी तरह से करना है, देख लीजिए इसी तरह से इसको किया जाता है, देख लीजिए हो गया ना, बन गया, देख लीजिए एक ठो तैयार हो चुका है, इसको सेट कर दिया जाएगा, सेट करने के बाद फिर दूसरा में हाथ लगाएगा, देख लीजिए कितना बेहतरीन, ये कला है, ये हर कोई नहीं कर सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये हर कोई नहीं कर सकता है और किसी से होगा भी नहीं। देख लीजिए अगर आप लोगों को इधर अगर इतना दूर नहीं आने में अगर दिक्कत है, इतना दूर आप नहीं आ सकते दरभंगा बिहार, तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप उधर बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत भाई लोग हमको फ़ोन किए थे कि भैया हम यहाँ से हैं वहाँ से हैं, तो इतना दूर तो आ नहीं सकते हैं, कि उसको किराया भाड़ा उसको बहुत लगेगा, तो अगर ये वीडियो देख करके वहाँ अगर बेल्डिंग वाले को कहेंगे अगर बनवा सकते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है ताकि वहाँ जा करके वही वीडियो देख करके वहाँ बनवा सके। देख लीजिए देख रहे हैं ना, किसी तरह से कोई मशीन का काम नहीं है इसमें, जो भी किया जा रहा है सब हाथ से ही किया जा रहा है, कोई मशीन नहीं कुछ नहीं, जो भी किया जा रहा है सब हाथ से ही किया जा रहा है, देख लीजिए। तो मैं एक बार और मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको दो पार्ट में है, वन पार्ट और टू पार्ट, तो अगर वीडियो को समझना है तो आपको दोनों पार्ट देखना होगा तभी आप वीडियो समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। अगर आपको किसी मिस्त्री से बनवाना भी होगा तो दोनों वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा, सिंगल एक वीडियो को अपलोड कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो वीडियो लंबा होने के कारण मैंने जो दो पार्ट में वीडियो बना दिया है, क्योंकि लंबा वीडियो अगर आधा घंटा का या 45 मिनट का वीडियो बनता है तो कोई देखना नहीं चाहता है, इसलिए मैंने दो पार्ट में वीडियो को बनाया है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, तो आराम से उसको आप YouTube से मेरे चैनल पे जाकर YouTube से अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके आप किसी भी मिस्त्री को दिखा सकते हैं तो आप बनवा सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो अगर यहाँ आना है तो स्क्रीन पे इसका नंबर दिया गया है, स्क्रीन इस नंबर पे बात करके आप उनसे बनवा सकते हैं, कैसे क्या बनाएगा कितना केजी बनाएगा वो आप उनसे ही बात कर लीजिएगा, देख लीजिए कैसे आना है ये भी आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा, कैसे आना है कैसे कहाँ आना है किस हिसाब से आना है, मैंने तो आपको बता दिया कि दरभंगा रेलवे जंक्शन आपको आना है, अब वहाँ से आपको कहना चर्च के पास जाना है, वहीं पर आप चर्च के पास जाइएगा, चर्च के पास इसका दुकान है, देख लीजिए पूरा शेप में आ गया ना, बस इसी हिसाब से ये देख लीजिए, हाथ का कला है, हर कोई नहीं कर सकता है, जब देख लीजिए एक रंग आ गया है, बस इसी तरह से आपको करना है। तो फ्रेंड मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये जो आप देख रहे हैं जो बन रहा है ये हाफ हाफ मूविंग स्टेज का जो दिल रहता है हाफ हाफ वही बन रहा है, मूविंग स्टेज में जो हाफ हाफ दिल बनता है वही दिल बन रहा है, देख लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा दोनों पार्ट वीडियो, तो आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयार किया गया और कैसे ये हाफ दिल बनेगा। देख लीजिए दो गो बन के तैयार है, देख लीजिए दो गो मुड़ के तैयार हो गया है, अब जो अच्छी देख रहे हैं अभी बेस है, ये मूविंग स्टेज का जो बेस रहता है देख रहे हैं, ये बेस बना हुआ है, इसमें चदरा लगा कर इसको छेद करके उसमें नट फट से टाइट किया जाता है दोनों साइड से, तो हाफ हाफ रहता है, ऐसे के नीचे मोटर लगाया जाता है, चक्का जो लगता है वही लगाया जाता है, उसके बाद ये हाफ हाफ मूविंग स्टेज बन जाता है, जो हाफ दिल एक साइड रहता है, जो चलने के बाद मोटर एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये पूरा फुल दिल में तब्दील हो जाता है, एक साइड लड़का खड़ा रहता है, एक साइड लड़की खड़ा रहता है। तो आप वीडियो देखिएगा पूरा तो समझ ही जाइएगा कि कैसे इसको बनाएगा, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें और दोनों वीडियो देखें। देख लीजिए एक साइड का तो मुड़ा गया था, इधर इस साइड का पैप का उस साइड का पैप का मुड़ाया जा रहा है, उस साइड का जो है उस साइड का आप मुड़ा जा रहा है, देख रहे हैं ना उस साइड का मुड़ा जा रहा है, दोनों को मिला करके
देख लीजिए कैसे सिंगल हाथ, अभी आप सिंगल हाथ का यूज कर रहे हैं, पहले डबल हाथ का यूज हो रहा था, डबल हाथ से हथौड़ा मारा था, आप सिंगल हाथ से हथौड़ा मारा जा रहा है, देख लीजिए उस साइड का है ना। इसको इसी तरह से ऐसे किया जाता है, देख लीजिए। अगर आपको बनवाना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। आप कैसे केजी बनाएगा ये तो वही बताएंगे कि जो इनके मालिक है सुजीत नाम है इनका, सुजीत कुमार, इसका नंबर स्क्रीन पे डाला हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके इनसे बनवा सकते हैं। जो दरभंगा के लोकल है, दरभंगा ज़िला के अंदर है, जिनको नहीं पता है कि सब चीज़ कहाँ बनता है, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, वो तो आ सकते हैं। और जो बाहर रहते हैं, जिसका यहाँ से बहुत दूर घर है, 50 किलोमीटर हुआ या 100 किलोमीटर दूर हुआ, 150 किलोमीटर दूर हुआ, जो नहीं आ सकते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने डाल दिया है कि वीडियो को डाउनलोड करके अपने यहाँ बनवा सकते हैं। धन्यवाद।